नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू निशांत कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ ऑटोकैड के बारे में। ऑटोकैड क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज का ये पहला वीडियो है दोस्तों जो ऑटोकैड पे बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम ऑटोकैड की बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ऑटोकैड क्या होता है। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जो ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया है। ये मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड 2D और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ये डेवलप किया गया था ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा, जो कि USA की कंपनी है, और 1982 में ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑटोकैड को डेवलप किया। इंडिया में ऑटोकैड 1988 में आया। फर्स्ट वर्जन जो ऑटोकैड का यूज किया जाता था वो R1, फिर उसके बाद R2, R3 एंड सो ऑन। ऑटोकैड को यूज करने के लिए दोस्तों दो तरीके होते हैं, एक रिबन मेन्यू और एक होता है कमांड प्रॉम्प्ट। रिबन मेन्यू को हम GUI के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। रिबन मेन्यू में बहुत सारे बटन्स होते हैं, इन बटन्स में आप क्लिक करके इनको यूज कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको बस कमांड लिखनी होती है। हर कमांड को कोई ना कोई शॉर्टकट मिला होता है, इसे आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे कमांड्स का शॉर्टकट नहीं भी होता, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट आप अपना खुद बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऑटोकैड कौन यूज कर सकता है। तो दोस्तों ऑटोकैड कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन कुछ हम एग्जांपल अगर लेकर चले तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, फैशन डिजाइनर्स, सॉफ्टवेयर डिवेलपर्स एंड अदर्स, ये सारे आपके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। अगर बात करें ऑटोकैड के फायदों के बारे में दोस्तों, ऑटोकैड दुनिया का सबसे पहला कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसको बनाने वाली कंपनी है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क एक्यूरेट डिजाइनिंग तैयार करता है। ऑटोडेस्क आपके काम करने की स्पीड को बढ़ा देता है। ये थी बेसिक नॉलेज ऑटोकैड की दोस्तों। आगे हम और वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि ऑटोकैड की कमांड्स को कैसे यूज किया जाता है और कैसे उसको चलाया जाता है। तो ऑटोकैड की और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।